मध्य प्रदेश के उन किसानों के लिए बड़ी खबर है जो कि कृषि सेवा सहकारी शाखा संस्थाओं से कृषि ऋण लेते हैं। ऐसे किसानों के लिए डॉक्टर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसका फायदा ऋण लेने वाले सभी किसानों को मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 4,536 प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों से प्रदेश के लाखों किसानों ने ऋण लिया है। इन्हीं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 4,536 सहकारी समितियों से किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिए अल्पावधि ऋण मिलता है। राज्य सरकार के आर्थिक सहयोग से कृषि शाखा संस्थाएं यह ऋण बिना ब्याज के किसानों को उपलब्ध करवाती हैं। खरीफ फसल के लिए लिया गया ऋण 28 मार्च और रबी फसल के लिए लिया गया ऋण 15 जून तक चुकाना होता है। अवधि बीतने पर 13% की दर से किसानों से ब्याज वसूलने का प्रावधान है। इसकी गणना ऋण लेने के दिनांक से की जाती है। इसी ऋण को चुकाने की अवधि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि सेवा सहकारी शाखा संस्थाओं से किसानों को खाद बीज नगद राशि मिलती है। खाद बीज उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि ओवरड्यू ना हो। इसके लिए समय समय पर अल्पावधि फसल ऋण जमा करना अनिवार्य होता है। खरीफ फसल के लिए लिया गया फसल ऋण 28 मार्च और रबी फसल के लिए लिया गया फसल ऋण 15 जून तक जमा करने की समय सीमा तय की गई है। इस समय सीमा को डॉक्टर मोहन सरकार ने बढ़ा दिया। प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों द्वारा खरीफ सीजन में वितरित फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च 2024 तय की गई थी। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च 2024 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2024 तक कर दी गई है। मतलब अब किसानों को जो है एक महीने का और टाइम दे दिया गया है। प्रदेश के लाखों किसान कृषि शाखा सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण लेते हैं। इन किसानों को अब राज्य सरकार के निर्णय के बाद में एक माह की अधिक अवधि मिल गई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने यह अवधि रबी फसलों की कटाई को देखते हुए प्रदान की है। अधिकारियों के अनुसार गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू नहीं होने के कारण भी यह अधिक बढ़ाई गई है। किसान अब अपना फसल ऋण 30 अप्रैल 2024 तक जमा कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, एक महीने का किसानों को जो सोसाइटी का जो ऋण रहता है अल्पावधि वाला, वो चुकाने का समय बढ़ा दिया गया है। अब आप अपनी गेहूं फसल को बेचकर आराम से जो है कि अपनी सोसाइटी का जो देय है, आपका ऋण है, वो चुका सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, सरकार का यह निर्णय आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।